तेजस्वी यादव ने एक योद्धा की तरह उपचुनाव में अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया था और जब चुनाव परिणाम आए उसके बाद भी एक योद्धा की तरह उन्होंने हार को स्वीकार किया। लेकिन इसके अलावे आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार इन दोनों सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर के जितने ज़्यादा एग्रेसिव दिखे, हालांकि वो तो एग्रेसिव 2020 के चुनाव में भी दिखे और 2020 के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार किया और जितना ज़्यादा उन्होंने दमखम लगाया, शायद ये और लोगों के लिए संभव नहीं था। एक एक दिन में 20-20 22-22 सभाएं करना ये कम बात नहीं है। एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो उनका प्रदर्शन था वो उन्होंने किया। इस बार के उपचुनाव में भी उन्होंने हर तरह का अपना जो रणनीति है, राजनीति है, उसे अपनाने का कोशिश किया। यहाँ तक कि इस बार उन्होंने लालू प्रसाद को भी चुनाव में शामिल करा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी परिणाम उनके पक्ष में नहीं गया। इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव ने, पहली बार ऐसा हुआ है जब वो चुनाव परिणाम को लेकर के भले ही जो भी परिणाम आए हों, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार किया है और कहा है कि संवैधानिक संस्थाएं हैं जिन पर हमें भरोसा करना चाहिए। तेजस्वी यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बहुत सारी बातें कही हैं और उन्होंने ऐसी कुछ बातें कही हैं जो खास करके अगर कहा जाए तो जिस तरह से उनके विरोधी कहा करते हैं कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी जिस तरह की राजनीति और रणनीति और जिस तरह का हंगामा करती है उससे बिल्कुल उलट तेजस्वी यादव ने एक अलग अंदाज में जो बातें कही हैं वो आपको सुनना चाहिए। और ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने हार के बावजूद जिस तरह से अपने आप को मजबूत रखा है और जिस तरह से एक योद्धा की तरह वो अपनी टीम को लीड करने के लिए तैयार हैं, उसे देख करके आपको भी निश्चित रूप से ऐसा लगेगा कि तेजस्वी यादव पूरी तरह से एक परिपक्व नेता के रूप में अब मजबूती के साथ उभर करके सामने आने लगे हैं। सुनिए क्या कहा है तेजस्वी यादव ने बातचीत के दौरान। परिणाम आया है तारापुर कुशेश्वर स्थान दोनों जगह दोनों सीटें फिर से जेडीयू के पास रह गई हैं। कैसे देखते हैं चुनाव परिणाम को? सब लोगों का आ गया माइक। देखिए दो जगह का मत का गन्ना हुआ उपचुनाव को लेकर और अगर दोनों जगह के चुनाव को देखा जाए, नतीजे को देखा जाए तो स्पष्ट रूप में ये कहा जाए कि जनता ने जो जनादेश दिया उसका हम लोग सम्मान करते हैं और हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। कुछ लोग भले ही लोकतंत्र में विश्वास ना रखें, जनादेश में विश्वास ना रखें, लेकिन शुरू से ही हम लोगों ने जनादेश का सम्मान किया है और पहली बार कुशेश्वर स्थान में 95 में आखिरी जब जनता दल था, 95 में जब आखिरी बार जनता दल था तो हम लोग चुनाव लड़े थे। जब से राष्ट्रीय जनता दल बना तब से हम लोग कुशेश्वर स्थान में चुनाव नहीं लड़े, लेकिन हम लोगों ने मजबूती के साथ और ज़मीनी मुद्दों के साथ चुनाव लड़ा। चाहे बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, हर मुद्दे को हम लोगों ने एक मजबूत विपक्ष होने के नाते हम लोगों ने चुनाव में लेकर के गए और एक अच्छी परंपरा शुरू हुई कि कुछ लोग निजी हमला बोलता रहा हो, लेकिन हम लोगों की कोशिश रही कि चुनाव जो है वो मुद्दे पे हो। और पहली बार लड़ने के बाद कुशेश्वर स्थान से हम लोगों ने अच्छा मुकाबला किया, ऐसा मुकाबला किया कि जो मंत्री सत्ता में बैठे हैं, जो गांव के हालात को भूल गए थे कि किस स्थिति में हैं, उनको भी जो है डोर टू डोर मंत्रियों को कैंप करके डोर टू डोर उन लोगों ने कैंप किया और हमारे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं था। आज भी हम 75 सीट पे सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हैं। तारापुर भी हम लोग जो है चुनाव लड़े, वोट भी हम लोगों का बढ़ा और एक
आप कह सकते हैं कि आखिरी लास्ट सेकेंड लास्ट ओवर तक जो है मैच गया, सेकेंड लास्ट बॉल तक जो है मैच गया, लेकिन हम लोगों ने कड़ा मुकाबला हर जगह दिया है। कुशेश्वर स्थान में अगर देखा जाए तो सिंपैथी भी जो है जदयू के प्रत्याशी को मिली, लेकिन कोई बात नहीं, हार जीत चुनाव में चलता रहता है। क्या क्या हुआ नहीं हुआ, हमने सारी चीज़ों को जनता के समक्ष रखा, इलेक्शन कमीशन के समक्ष रखा, लेकिन आखिर में संवैधानिक संस्था है। अगर हम जैसे राजनेता उस संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी करें, या प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का आखिर में चाहे हमको जो मुद्दे उठाने हो, हमने सारे मुद्दे जो है बिना प्रमाण के तो उठाए नहीं, सारी मुद्दे को प्रमाण के साथ हमने उठाया है, लेकिन हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन पे भी विश्वास रखना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तो हम लोग जो है कोई घबराने की बात नहीं, लेकिन बिहार की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होकर रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।